हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन, इन पर चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप कितना है। तो बेटा, फिजिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत बड़ा है। इसके लिए साइंस में आप सोचिए, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि भाई साइंस में साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम 10^-14 मीटर ऑन वन साइड, मतलब कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो एटम होता है, एटम ऐसा टुकड़ा होता है जिससे छोटा अपन नहीं कर सकते हैं, कट करने पर जो सबसे छोटा होता है उसे एटम बोलते हैं। जैसे कि कोई सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस काई से मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बना होता है। और एटम का जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कि छोटा सा पार्टिकल है और उस छोटे से का भी सेंटर यानी कि न्यूक्लियस, उसका साइज कितना, 10^-14 मीटर तक, और ये वन साइड है यानी कि इतना। उसी टाइप से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^-30 के, ठीक है, ये शायद -31 के जी होगा, ठीक, करेक्ट कर। मास ऑफ यूनिवर्स 10^-50 के जी। अब देखो इतना 10^55 के जी तक काउंट कर लिया है वेट को यूनिवर्स के, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर ये कह सकते हैं कि भाई फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। इसलिए ये फिजिक्स की अपन एग्जिस्टेंस की बात करें, और अब अपन इसकी ब्रांचेस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो फिजिक्स को जो ब्रांचेस है उनको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं, एक तो क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। ये आजकल, पहले अलग अलग पढ़ी जाती थी, आजकल दो पार्ट कर दिए। क्लासिकल फिजिक्स कौन सी, जो 19th सेंचुरी से पहले की थी, और आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद की जो है, ठीक है, बिफोर 19th सेंचुरी के पहले की जो फिजिक्स है वो कौन से में आती है, क्लासिकल के अंदर आती है, और आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद की फिजिक्स किसके अंदर आ जाती है, मॉडर्न फिजिक्स में। अब मॉडर्न वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि नहीं अभी की होगी यार, नहीं, ये बोले भी बहुत पुरानी है, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ब्रांचेस, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल, और मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखो आप स्पीड ऑफ लाइट तक की सारी स्पीड को, डिस्टेंस, सारी जो स्पीड से अपन पढ़ लेते हैं, सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो भी पढ़ेंगे अपन, कहां तक के पढ़ सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ये सारे जो ब्रांचेस मैंने इधर लिखी हुई है ये कहां तक सीमित है, स्पीड ऑफ लाइट तक की स्पीड तक सीमित है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इतनी स्पीड तक आप उसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हमें थी। मॉडर्न फिजिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब कि ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड की में अपन इसको क्या कर सकते हैं, इन ब्रांचेस का मतलब स्टडी की जाती है। जहां पर स्पीड ऑफ लाइट से अभी आगे की स्टडी की जाती है तो वह होती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सारी चीजें आ जाएगी। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर आप सबको पता होगा हम डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, सारी चीजें आप इसके अंदर, सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं हीट की, हीट टेम्परेचर इनकी आप स्टडी करते हैं। लाइट की अगर बात करें तो लाइट के अंदर पूरा ऑप्टिक्स आ जाता है, और इसकी दो होती है, एक तो वेव ऑप्टिक्स होती है और दूसरी आपकी हो जाती है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ये दो ब्रांचेस लाइट में भी स्टडी की जाती है। साउंड की अगर बात करें तो यहां पर वाइब्रेशंस की और वेव की स्टडी होती है, ठीक है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्लासिकल के अंदर जिसमें मैग्नेट की और सारी स्टडी होती थी। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रिसिटी जहां पर करंट की बात करोगी, और इलेक्ट्रोडायनेमिक जिसमें जो सारे करंट के मूवमेंट्स हैं उनके स्टडी होगी। यहां पर जो करंट होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कांस्टेंट रेट से स्टडी की जाती थी, और यहां पर जब वो एक्सेलरेटेड होने लग जाता था उस फॉर्म में स्टडी होती थी। बट मॉडर्न साइंस के अंदर क्या करा गया, ये मैग्नेटिज्म जो है पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इसको पूरा ही एक साथ पढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, पूरा एटम न्यूक्लियर का स्टडी की जाती है।
तो ये सारा जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, तो ये किसकी ब्रांचेस है? ये मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बाद अपन बात करें, अगर मैं रिलेशन देखूं अदर सब्जेक्ट्स का फिजिक्स के साथ, जो साइंस की अदर ब्रांचेस है, तो साइंस की बाकी जो ब्रांचेस हैं, साइंस की ब्रांचेस में मैंने आपको कल बताई थी, सपोज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है? तो जितने भी कैलकुलेशंस जो भी अपन करते हैं, मैंने कल आपको ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर किया था, वहां पर मैंने आपको एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो यानी कि विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स का कोई अस्तित्व नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं। मतलब कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का गहरा रिलेशन है, बहुत दोनों एक साथ चलते हैं। यानी कि मैं कहूंगा कि फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो है मैथमेटिक्स। तो मैं कह सकता हूं कि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, मैथमेटिक्स क्या है? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिना मैथ्स के अपना काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में, बायोलॉजी के अंदर मैं आपको बताऊंगी, किसी का हड्डी फ्रैक्चर हुई और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर एक्सरे होता है आपका, और एक्सरे के बाद पता पड़ता है कि आपकी हड्डी कहां पर फ्रैक्चर थी, फिर उसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो एक्सरे जो इन्वेंशन है वो है फिजिक्स का, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बायोलॉजी के लिए फिजिक्स की बहुत बड़ी देन है। आई बात समझ में? ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी पूरी तरह से फिजिक्स पर डिपेंडेंट है। तीसरी लेते हैं केमिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री में क्या होगा भाई? तो जो एटम और न्यूक्ली के बारे में जितना पढ़ा गया है, ठीक है, जितने भी आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं किसी के एटॉमिक स्ट्रक्चर है और वो सारी जो है वैलेंसी बॉन्ड, वो सब चीजें कहां से आए हैं, वो फिजिक्स के कारण ही बहुत ज्यादा इजी हो पाए केमिस्ट्री में उनका एक्सप्लेनेशन। और फाइनली एक और लेते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर, फिजिक्स के अंदर एस्ट्रोनॉमी की अगर बात करें तो जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप फिजिक्स के इन्वेंशन है सारे, तो जिनके भी यूज कहां पर होते हैं? एस्ट्रोनॉमी। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का हर एक ब्रांच से बहुत ज्यादा गहरा रिलेशन है, मतलब सभी के लिए फिजिक्स जरूरी है। ठीक है, और अब अपन देखें कि ये चलो फिजिक्स का बाकी की ब्रांचेस से रिलेशन यहां तक तो ठीक था, अब हमारी सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, या फिर टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का क्या रिलेशन है? दोनों चीजों को मैं एक साथ बता रहा हूं। हमारी सोसाइटी से रिलेशन में आपको इस प्रकार से बताता हूं कि अगर हमारे घर की सारी लाइट्स बंद हो जाए आधे घंटे के लिए, या 5 मिनट 10 मिनट के लिए गर्मी में पंखे बंद हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप सोचिए फिजिक्स का इंपोर्टेंस। अगर पंखा हमारे लाइफ से आधे घंटे के लिए भी बंद रहा तो हमें कितनी परेशानी आई। सबसे बड़ी बात, आजकल बच्चों को मोबाइल का बड़ा शौक है और आजकल तो हमें पढ़ना भी मोबाइल से ही पढ़ रहा है, तो अब जैसे ही आप मोबाइल को, अगर आपसे बोल दे कि मोबाइल को छोड़ देना, बिना मोबाइल के कैसे, संभव ही नहीं हो पा रहा। यानी कि टेक्नोलॉजी से भी आप जुड़ गए, फिजिक्स पर भी आप पूरी तरह डिपेंड हो गए। तो विदाउट फिजिक्स हमारी लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सारी चीजें, फेसबुक, व्हाट्सएप, आधे काम, आधे ऑफिस के काम अभी कोविड-19 के दौर में सारे कैसे हो रहे हैं? सारे मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं, कंप्यूटर से हो रहे हैं, लैपटॉप से हो रहे हैं। तो ये सब किसके इन्वेंशन है? ये सारे फिजिक्स के इन्वेंशन है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि विदाउट फिजिक्स हमारी सोसाइटी की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। सारे जितने भी ट्रेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है आपके, एरोप्लेन है, आपकी बसेस हैं, आपकी कार्स हैं, सब किसकी देन है? सब फिजिक्स की देन है। तो इनके बिना हमारी लाइफ चल सकती है कि आप खुद इमेजिन कीजिए? नहीं चल सकती, और विदाउट टेक्नोलॉजी भी नहीं चल सकती। तो ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और सोसाइटी दोनों ही से फिजिक्स का गहरा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी घुसी पड़ी है फिजिक्स, सारी टेक्नोलॉजी की चीजें किसकी? फिजिक्स की। और सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में हम इसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप सोच लो कैसे जीवन व्यापन करो, नहीं कर सकते। विदाउट आप स्कूटर, आपको यहां से घर से बाहर जाना जा पाओगे? बाइक के घर बिना घर से बाहर जा पाओगे?
हमें 50 किलोमीटर का ट्रेवल करना है, 1000 किलोमीटर जाना है, या फिर किसी अदर कंट्री में जाना है, एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगी अदर कंट्री में जाने के लिए। तो हर जगह हम फिजिक्स से घिरे हैं, बिना फिजिक्स के आपका अस्तित्व ही नहीं है। आप जितना चाहे इतना उसके बारे में बता सकते हैं, आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि फिजिक्स का हमारे जीवन में क्या यूज है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, छोटा सा टॉपिक और है। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बाकी मैं इसको छोटे में निकल रहा हूं। ठीक है, बेसिक फोर्स की अगर बात करें, यानी कि फंडामेंटल फोर्स, बेसिक यानी कि फंडामेंटल फोर्स। वैसे तो नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हैं, भाई फ्रिक्शन फोर्स है और बहुत सारे अलग अलग टाइम पर अलग अलग फोर्सेस होते हैं, उनकी बात नहीं करते हुए सारे टोटल कितने हैं, टोटल फोर टाइप के फोर्सेस होते हैं। बेसिकली नेचर के अंदर फोर टाइप के फोर्स। ठीक है, सबसे पहला आप सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है और सुना भी है कि यूनिवर्स के अंदर अपन ने देखा है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हमने पढ़ा है, हम जैसे ही क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, इस स्ट्रक्चर को छोड़ता हूं, अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। यानी कि ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब हर एक प्लेनेट की अपनी ग्रेविटी होती है, वो उसे क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। तो एक चीज तो ध्यान रखें कि ये क्या लगता है, एवरी ऑब्जेक्ट पे लगता है, सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, F प्रोपोर्शनल M1 M2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब आपने पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल जिसका वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻¹। ठीक है, याद आ गया। तो ये आपका आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स, इसको डिटेल से अपन, इसका एक यूनिट है अपने, इसमें जब सिलेबस शुरू होगा तो एक स्पेशल यूनिट है ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उसमें अपन पढ़ेंगे। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत लंबी दूरी तक लगता है। हालांकि ये कहा, ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। आप सोचिए कि ये फोर्स भी कितना स्ट्रॉन्ग है लग रहा है। ठीक है, अब दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जैसे ये फोर्स लग रहा है उसी टाइप से दो चार्ज पार्टिकल, मैंने चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन, या फिर अपन मैग्नेट की अगर बात करें तो दो मैग्नेट के बीच में जो कि एन एन पोल को पास में लाते हैं तो रिपल्शन होता है, एन एस को लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपको समझ आ गया। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस से लगता है, बट ये चार्ज पार्टिकल्स से लगता है। ठीक, दूसरी बात, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगला है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और एक और है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। अब देखो, आप एक चीज समझे कि ये आपका, इतना हमने पढ़ा है, जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इनका जो रोटेशन कहां पर घूमते हैं, ये सब घूमने के लिए इनका ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन भी कहां होते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आप सोचो इस बात कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर दोनों प्लस, जो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों है, तो ये एक दूसरे के साथ है, इसका मतलब इनके दोनों के बीच, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कोई तीसरा फोर्स, जो कि न तो इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल फोर्स है और न ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कोई तीसरा फोर्स लग रहा है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है,
अपन अपन बात करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, केवल बात करेंगे तो अपन वीक न्यूक्लियर फोर्स ले लेंगे, पर अपन इसको वाइड लेवल पर अगर पढ़ेंगे तो वहां पर जो फोर्स लगता है सारे पार्टिकल्स के बीच में जो लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसे अपन बांटेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचर का सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, नाम से ही पता पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और नेचर का इससे जो वीकेस्ट है वो ये वाला आ जाएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, और सबसे कम किसकी है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की है। समझ में आ गई होगी बात। तो ये यहां पर मैंने बहुत शॉर्ट में फिजिकल वर्ल्ड को लिया है, एक बेसिक नॉलेज आपको दिया है, क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, सब आपके 11th 12th के सिलेबस में सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, तो उस समय हम उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1st आज यहां पर फिनिश हो जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।